हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो आज का टॉपिक आप लोगों के सामने है कि भाई पॉलिटी की तैयारी कैसे करें, पॉलिटी की तैयारी कैसे करें। कौन कौन है भाई? देवाशीष, धर्मेंद्र, सुमन, अनीश, नितेश। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि हम पॉलिटी की तैयारी कैसे करें। पॉलिटी की तैयारी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखिए, अगर हम सबसे पहले कंटेंट में जाने की बजाय, हेलो बच्चों, आवाज आ रही? सब तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही भाई? किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा किसी का, क्यों? चलो बेटा, तो पॉलिटी की तैयारी कैसे करें? तो इसमें देखो, मैं सबसे पहले दो चीजें आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि तैयारी करने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही होता है कि जैसे जो कंटेंट आपके पास होता है वो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कंटेंट सबसे पहले। और इस कंटेंट में हमें क्या करना चाहिए? डुप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है? सभी लोग खुश रहो, खुश रहो बेटा। नमन, राहुल, भास्कर, कीर्ति, ठीक है, और बच्चे अनुज, ठीक है ना? डुप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यानी डुप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप एक ही चीज को किसी एक सोर्स से पढ़ते हैं, एक स्रोत से, और उसके बाद इसी चीज को आप कई अन्य स्रोतों से पढ़ते हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग बेटा। आप कई अन्य स्रोतों से भी इसको पढ़ते हैं, कई अन्य स्रोतों से, ये गलत हो जाता है। यानी इस प्रकार की चीजें बिल्कुल गलत हो जाती है कि आप एक स्रोत से इधर पढ़ रहे हो और कई अन्य स्रोतों से इधर भी पढ़ रहे हो। इसीलिए जो सबसे पहले अगर आप पॉलिटी करना चाहते हैं तो पॉलिटी में जो सबसे पहली चीज है बेटा, कोई एक कंटेंट पकड़ो। क्या पकड़ो? कोई एक कंटेंट यहां से आप उठा लो, बस दैट्स इट। केवल एक कंटेंट। एक कंटेंट में एम लक्ष्मीकांत आपका मोर देन सफिशियंट है। यानी क्या पढ़ना है? एम लक्ष्मीकांत। तो ये आपका, ये हो गया आपका एम लक्ष्मीकांत। कैसे पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत? कैसे पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत? तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यानी एम लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं जो मैंने, यानी कि स्टूडियो प्रभाव पर। अब मैंने पढ़ाया इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, यानी स्टूडियो प्रभाव पर जो क्लासेस आपकी चली हैं तो आप लोग अगर फॉलो करें तो अच्छी बात है। अदरवाइज उसी को आप क्या करें कि यानी ये उठा लें और उसके बाद अपनी गोद में, यानी अपनी गोद में, अपनी टेबल पर, आप जहां पर भी जैसे भी पढ़ते हैं, आप लक्ष्मीकांत की बुक को ओपन कर लें। यानी लक्ष्मीकांत की बुक को क्या करें? ओपन कर ले,
इससे क्या होगा कि मेरे मेरे लेक्चर और लक्ष्मीकांत की बुक में एक कोरिलेशन आपका बेहतर बनेगा और चीजें आपको याद होती हुई चली जाएंगी। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं ये जो इश्यू है वह हमेशा आपके लिए इसी हिसाब से, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो आप लोग थंबनेल से बताएं प्लीज, अगर समझ गए हैं तो बताएं। अच्छा कमेंट राहुल, अच्छा राहुल आप ही कमेंट क्यों कर पा रहे हैं और बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा राहुल, मुझे ये लग रहा है कि आज ऐसा हो गया क्या कि जो प्लस कोर्स में एडमिशन लिए हैं वही कमेंट कर पाएंगे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। राहुल आपका प्लस कोर्स में एडमिशन है क्या? राहुल हाँ, ये देखो आज कुछ ऐसा हो गया। ठीक है ओके ओके, ओहो यही बात है, यही बात। ठीक है तो बच्चों जैसे सिंपल सी बात है ये चीज समझ। चलो राहुल आप ही बताते रहना तो इससे क्या हो जाएगा कि मतलब बच्चों का पता लगता चल जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे एडमिशन के लिए लगे हैं वो लोग क्या करेंगे, एसके लाइव, यानी कि एसके लाइव कोड के साथ बेटे आना है। एसके लाइव ये भूलना नहीं है सबको, एसके लाइव कोड मैंने लिख दिया। ठीक है ना, और अभी भी डाउट मत करना, मुझे पता है कई बच्चे पूछ रहे होंगे क्योंकि होता है ना कि पैसा लगाएं तो सब कुछ मिल जाए। आप आईएएस करना चाहते हैं, सब कुछ कभी नहीं होगा, आपकी उम्र बीत जाएगी, पर अंत में जब आदमी मरने भी लगता है तब भी यही होता है ना कि यार अरे कुछ समय और मिल जाता तो ये कर लेता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा मेंटोर मिला है याद रखना, अच्छा मेंटोर अगर आपको मिलता है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा हूं तो इसमें सोचना वोचने का विचार छोड़ दो। 2 दिसंबर से, ठीक है ना, 2 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट है। ठीक है, तो यानी कि 2 दिसंबर से 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, याद रखिएगा 2 दिसंबर से। पहला बैच जो है जीएस प्रीलिम्स, बेटा प्रीलिम्स 2020, जिसको और केवल आईएएस के लिए नहीं है, हम मैं पढ़ाता आईएएस मुंह, ये बताओ क्या ये पॉलिटी की किताब जो है पीसीएस में नहीं लगेगी? अजीब सी सोच है। तो प्लीज जीएस प्रीलिम्स आपका आपको अच्छे से करना है। ये मेरे साथ 2 दिसंबर से 5 महीने लगातार बैच चलेगा जिसमें सारे विषय मैं लूंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और एक चीज, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यार चलो यार किसी और से भी आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो भी तो पढ़ सकते हो ना। जब मैं सारे चैप्टर बता दूंगा तो अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा तो आपके पास और भी तो ऑप्शन है ना, आप किसी और से भी तो कनेक्ट हो सकते हो ना। तो सिंपल सी बात है, वो 50 चैप्टर आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, दूसरों के साथ कितना कितने एंगल आपको मिलेंगे आप विचार करिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। देखो बेटा कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज है संवैधानिक ढांचा। ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज है संवैधानिक ढांचा। अतुल तुम भी कमेंट करो। आज जल्दी कहाँ बेटा, 10 मिनट तब भी लेट था, मेरा लेक्चर आगे निकल जाता। अहमद हुसैन, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने भी क्लास अभी मतलब ज्वाइन करी है बेटा प्लीज आप लोग, नहीं ये स्पेशल क्लास में है अतुल, ये स्पेशल क्लास में बेटा, जितने भी बच्चे हैं एक बार मैं सबको संबोधन करना चाहूंगा। देवाशीष दास, धर्मेंद्र पाल, सुमन कुमारी, अनीश कुमार, नितेश कुमार,
शिवानी शेखावत, ठीक है, शिवानी शेखावत, लोकेश कुमार, सीमा रॉय, एकता सिंह और शिवास दानंद मिश्रा, सपना सिंह, शैलेश कुमार यादव, अनुज प्रजापति और उसके बाद नमन तिवारी, राहुल तो मान लो आप बातचीत कर ही रहे हो, भास्कर रॉय, कीर्ति सागर और स्नेहल वाकोडे, माही मिश्रा, ठीक है, देवाशीष बर्मन, हर्षित अग्रवाल, तो ये सारे हैं, अहमद हुसैन, मेहराज अंसारी, शिवांशु सहाय। अब अगर आप सारे लोग हैं तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर प्लस कोर्स के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी की क्लास के साथ आप फील करिए। अभी आप ऐसे मत लीजिए, लेकिन ऐसे फील करिए, क्या आप इजी फील कर रहे हैं, यानी क्या आप इजी फील कर रहे हैं। तो अगर आप इजी फील कर रहे हैं तो आपको प्लस कोर्स पे आना चाहिए। बस कोड एसके लाइव, जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं ये जरूरी है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं बेटा संवैधानिक ढांचा, भाग एक, संवैधानिक ढांचा। तो संवैधानिक ढांचा यानी कि सिंपल सी बात है, संवैधानिक ढांचा का मतलब बेटा क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया राहुल अतुल आप ही लोग बात करते रहो, मुझे लग रहा है कि जो लोग मतलब प्लस कोर्स में नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अब का शासन और उसके बाद यानी कि ब्रिटिश महारानी का शासन 1858 से, ब्रिटिश महारानी का शासन, इन दोनों को आपको देखना पड़ेगा, ये दोनों आपके सामने है। हाँ मुझे भी यार ये लग रहा है, ऐसा पहले नहीं, पता नहीं कैसे हो गया ये, पता नहीं, मैंने अभी मैं वही तो अभी मैसेज कर रहा था ग्रुप में कि जब तक बच्चे बात नहीं कर पाएंगे। राहुल अतुल आप लोगों को वहां से आइडिया है, कोई सपोर्ट टीम आपको, अब यहां से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैसेज तो आ गया है कि आप सपोर्ट, अब मुझे ही नहीं पता एक सपोर्ट टीम कहाँ है, कैसी है। चलो ठीक है बेटा, तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश महारानी यानी इन दोनों में, और इसके बाद 1950 का आपका संविधान यानी जो हमने 1949 में पहले और फिर फाइनली 1950 का जो हमारा संविधान बना। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा संविधान बना, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा संविधान बन गया। और अब आप देखो कि यह संविधान यहां से क्या लेता है और यहां से क्या लेता है, तो इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे पढ़े बेटा, यहां इतना ही बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं, यहां पर एक ही चीज बस देखना है आप लोगों को, एक चीज कि आपको यहां से एक क्वेश्चन मिल सकता है, अगर आप प्रीलिम्स करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन कोई सा मिल सकता है। अब इसका मतलब यहां से हम क्या पढ़ें कि एक क्वेश्चन हमें मिल जाए, तो सिंपल सी बात है, मैं केवल दो अधिनियम की बात करता हूं, 1919 और 1935, बाकी आप इसलिए ना पढ़ें, बाकी आप हिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ेगा और विशेषकर 1935 पर अच्छे से फोकस रहें तो बेहतर ढंग से आप चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर है? पर 1919 और 1935 आप यहां से उठा के अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, 1919 और 1935, ठीक रहेगा। अब देखो जैसे क्या करना है, दूसरी चीज कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो मैं इसको सिंपल सा मैंने बता दिया कि
केवल 1919 और 1935, ठीक है, दो चीजें आपकी हो गई। दूसरा, संविधान का निर्माण या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, अब आ जाइए फिर से पकड़ लीजिए, संविधान की प्रस्तावना, आईएएस में यहां से और पीसीएस में यहां से, मैं देखो पीसीएस भी लिख दे रहा हूं, यानी जो संविधान का निर्माण होता है ऐतिहासिक, ये पीसीएस के फेवरेट होते हैं, यानी पीसीएस में यहां से संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के, अब देखो जो आईएएस का है अब फिर आ गया यहां से आईएएस का, और जहां बेटा आईएएस लिखूंगा वहां पीसीएस तो रहता ही रहता है, पर पीसीएस जो मूल अधिकार, ठीक है ना, ये आईएएस, तो जहां आईएएस होगा वहां पीसीएस अपने आप आएगा, लेकिन कुछ कोर एरिया है जो केवल पीसीएस में पूछे जाते हैं, मूल कर्तव्य भी आईएएस में अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है, संविधान का संशोधन आईएएस में इंपॉर्टेंस, और संविधान की संरचना, ये सारे चैप्टर्स आपको विशेष रूप से, मतलब स्टार्टिंग में परिचय के लिए। अब दूसरा चीज क्या होता है बेटा, सरकार की प्रणाली के बारे में, यानी कि अब दूसरा पार्ट आपका क्या है कि सरकार की प्रणाली, तो सरकार की प्रणाली में आप देखें संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघीय व्यवस्था, केंद्र संबंध, अंतरराज संबंध, आपातकालीन, ये मेरी निगाह में 1 2 3 4 5, ये सारे स्टार बना लो, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट। यहां पर भी बेटा मैं एक बना दूं, जरा 1 मिनट की मुझे टाइम दो रेड पेन से, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी बेटा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये दोनों हो गए, याद रखिएगा, मूल कर्तव्य भी बेटा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, हमेशा ही पूछता है, तो ये तीन चीज यहां पर बेटे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब मेरा बच्चों क्या कहने का है कि आप खूब रिविजन करिएगा इसका, क्या करिएगा, इसका खूब रिवीजन करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो रिवीजन आपको यहां पे करना है, ठीक है, तो यहां पर आपको जबरदस्त रिवीजन करना, ये अपने दिमाग में रखना है, रिवीजन आपको बहुत करना है, और बाकी सबको क्या करना है, बाकी सबको हम पढ़ते रहेंगे वन टाइम, मतलब ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे, इन पर रिवीजन करेंगे, हालांकि वहां से भी आएंगे लेकिन रिवीजन करेंगे, क्लियर है। अब एक और रणनीति यहां पे बता दूं अगर, तो ये जो पार्ट है, अगर आप ये जो मैंने ये सब जो बचे हुए पार्ट हैं, इसके लिए ना आप कुछ ना करो तो 20 वर्षों के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 20 वर्षों के यानी प्रीवियस वर्षों के, 20 वर्षों के अगर आप क्वेश्चन हल कर लोगे, हल कर लो आप, तो आपका काम हो जाएगा, तो ये मुझे लगता है आप ऐसी रणनीति से चल सकते हो। अब इसके बाद दूसरा जो चैप्टर आपका आता है, दूसरा चैप्टर क्या है आपके सामने, तो आप देख सकते हैं सरकार की प्रणाली, तो फिर मैंने पहले ही बता दिया मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा,
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, तो अब इसमें भी अगर आप बनाना चाहें तो ये संघीय व्यवस्था पर एक स्टार अलग से बना लीजिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो फेडरल सिस्टम है आपका, ठीक है, इस पर थोड़ा अधिक फोकस हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया पूरे सारे चैप्टर आपको यहां से निकालना पड़ेगा। फिर तीसरा आते हैं जो केंद्र सरकार है, यानी कि अब हम प्रशासनिक चीजों पर फोकस करेंगे, तो केंद्र सरकार है आप यहां से देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, तो स्वाभाविक है उपराष्ट्रपति काट दीजिए, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रपति आपको करना है, राष्ट्रपति आपके पास आ गए, यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री वगैरह पे पूछे क्वेश्चन बहुत कम जाते हैं, आप देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी, मंत्रिमंडलीय समितियां भी, संसद, अब पार्लियामेंट, अब आ गया मोस्ट मोस्ट, फिर आ गया आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इनके अंदर भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार बना लीजिए जितना मर्जी हो। तो संसद आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, संसदीय समितियां ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, यानी इन पर भी आप MMIMP लिख लीजिए, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या, संसदीय मंच है, संसदीय समूह, इनको काट देंगे, नहीं देखेंगे। फिर उच्चतम न्यायालय, फिर आ जाइएगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद क्या है, न्यायिक समीक्षा है, यानी जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा, तो ये भी स्वाभाविक इंपॉर्टेंट ही है। और फिर इसके बाद न्यायिक सक्रियता आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, PIL, यानी कि ये सब, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो उच्चतम न्यायालय का कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन होता है कि अतुल और राहुल है आप लोग की, नहीं बेटा चले गए आप लोग भी, अच्छा राहुल आप हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यानी उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये चार चीजें हैं, क्लियर है। तो ये चारों की इंपॉर्टेंट, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का आधारभूत अभिलक्षण भी है। पर उच्चतम न्यायालय आपने देखा होगा कि वो सभी मामलों में लगभग लगभग उच्चतम न्यायालय की एक सर्वोपरि स्थिति बन चुकी है। अब उसके पीछे चाहे हमारे राजनीतिक दल नेता जिस रूप में भी जिम्मेदार हो, वो एक अलग बात है। तो ये सिचुएशन बन चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें चीजों को समझने की आवश्यकता है कि उच्चतम न्यायालय पर प्रश्न आएगा। न्यायिक समीक्षा यह एक ऐसी पावर है, याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा एक ऐसी पावर है जिस पावर के द्वारा कहीं ना कहीं न्यायालय जो है विधि के किसी भी विषय पर संविधान के आधारभूत संरचना के आधार पर विचार कर लेता है। और न्यायिक सक्रियता जैसे पोल्यूशन का इश्यू, कोई सोशल कॉज का इश्यू हो, तो उसमें वो खुद PIL ले करके, यानी कि जनहित याचिका जो दायर की जाती है उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए या PIL को लेते हुए वो क्या करता है, न्यायिक सक्रियता, यानी कि वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के प्रशासनिक कार्य क्षेत्रों के लिए भी क्या करता है, वह गाइडलाइन जारी करता है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट होता है, यह आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है, सिंपल सी बात है। आइए आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। राहुल समझ में आया बेटा, अतुल कहां गया, अतुल चला गया मुझे लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे, राज्य सरकार, अभी बेटा राज्य, राज्य सरकार है ना, ये IAS में लगभग नदारद है,
आईएएस में यहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर ये पीसीएस के लिए सबसे फर्टाइल है। पीसीएस के लिए यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है पीसीएस राज्य शासन के लिए, तो यही हमें सीखना है। यानी अगर आप पीसीएस करते हैं तो आपको क्या करना है कि राज्य सरकार जो आगे आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी वहां इसको जबरदस्त रूप से फोकस करना है। क्यों? क्योंकि पीसीएस का पूरा काम राज्य सरकार के कार्य से जुड़ा हुआ है, तो पीसीएस के लिए आपको यहां से चीजों को देखने की आवश्यकता है। आप ऐसा अब देखिए, पीसीएस के लिए तो राज्यपाल, ऐसा नहीं कि आईएएस में नहीं आता, लेकिन मैंने बताया प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया तैयारी करने का एक तरीका होता है, उस तरीके के तहत हम लोगों को चलना चाहिए। तो राज्यपाल हो गया आपका, ठीक है, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल को आप स्टार बना लीजिए, मैंने टिक लगा ही दिया है। राज्य विधानमंडल को भी बना लीजिए, उच्च न्यायालय को भी बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। जम्मू कश्मीर तो अब खत्म हो चुका है, इसको आप हटा सकते हैं, स्पेशल स्टेटस आप, अब इसकी जगह आएगा जो 5 अगस्त को सरकार ने निर्णय लिया, तो जो अगली किताबें आएंगी वो इसमें समा जाएंगी। पंकज तिवारी, प्रभात और योगेश, नवीन, तनिष्क, प्रियंका, श्रीपति, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है। भाग 5 बेटा, स्थानीय सरकार, तो स्थानीय सरकार को कैसे पढ़ना, नहीं पंचायत नगर पालिका, तो स्वाभाविक है ये जो पंचायत है इसको थोड़ा ज्यादा कर लीजिएगा, स्टार मैंने बना दिया। नगर निगम बहुत कम पूछता है, लेकिन अब ऐसा नहीं पूछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो पंचायती राज और नगर निगम से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। राहुल, समझ में आ रहा बेटा जो भी बोल रहा हूं? कन्विंसिंग है, तभी मुझे पता चलेगा बच्चों को कन्विंसिंग है कि नहीं, क्योंकि बच्चे मैसेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र क्या है? अब भाग 6 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, यहां से हम चेक करते हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट आप लोग जरा 1 मिनट देखिएगा, 1 सेकंड। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश एवं अनुसूचित एवं जनजाति, यानी केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, तो दो चीज आपके पास है, यूनियन और ये, यानी 2 40 और 41, ये दो चीज आपको यहां से देखने की आवश्यकता है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो अमूमन जो ये बहुत कम, यानी कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है, आप जब ट्रेंड चेक करेंगे तो यहां से जो क्वेश्चन है वो कम ही पूछे जाते हैं। अब आ गया संवैधानिक, फिर आ गया बेटा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आ गया, यानी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट यहाँ पे आ गया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो संवैधानिक निकायों पर फोकस करना है आपको, ठीक है ना। पहले तो यही है कि मान लीजिए आपसे पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से संवैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय में देख सकते हैं आप, निर्वाचन आयोग है,
संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। इस समय अपना यही खंड मैं जो है एम लक्ष्मीकांत स्टूडियो प्रभाव पर पढ़ा भी रहा हूं। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें से मैं बता देता हूं क्या क्या आपको जहां स्टार बनाऊंगा वही आपके लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे निर्वाचन आयोग को आप कई बार देखिएगा, फिर इसके बाद ये दोनों जैसे संघ लोक सेवा, ये राज्य लोक सेवा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर दूसरा वित्त आयोग हो गया, क्लियर है, यानी वित्त आयोग हो गया। फिर इसके बाद अनुसूचित यानी वित्त आयोग आप देख सकते हैं आपके सामने बना हुआ है, क्लियर है। और तीसरा है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो यहां से भी क्वेश्चन प्री में कम ही आए हैं। और ये तीसरा देखिए स्टार बना दिया मैंने, भारत का नियंत्रक एवं, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अटॉर्नी जनरल भी चूंकि इस समय बड़ी भूमिकाओं में लगातार इनका कहीं ना कहीं, तो ये आप देख सकते हैं। तो चार चीजें हैं जो आपको देखनी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी आप सरसरी निगाह से देख लीजिए, इन पर रिवीजन करिए। चूंकि बेटा देखो सभी चैप्टर पर, याद रखिएगा जो भी बच्चे सुन रहे हैं, हम सभी चैप्टर पर इक्वल कमांड नहीं बना सकते। हम सभी चैप्टर्स पर इक्वल कमांड नहीं बना सकते, यह एक नियम है। अब आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि हम सभी पर इक्वल कमांड नहीं बना सकते। समझ रहे हैं मेरी बात सारे बच्चे? राहुल आप ही बता दो। हाँ अब इसके बाद आते हैं गैर संविधान, यानी ऐसे निकाय जो संविधान में नहीं, यानी संविधान में नहीं दिए गए हैं, जो संसदीय विधि के द्वारा इस प्रकार से बनाए गए हैं व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी आप इन्हें भी डबल स्टार दे सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है आज बच्चों के क्वेश्चन यार, क्योंकि स्पेशल क्लास का मतलब होता है बच्चों के क्वेश्चन लेना, आज क्या हो गया है। इंपॉर्टेंट गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है। तो क्या क्या है आप देख सकते हैं, नीति आयोग, ये हो गया आपका पहला, यानी नीति आयोग। फिर क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो अब देखो या इसमें किस पर अगर हम पकड़ लें कि तुलसा त्रिवेदी जी स्वागत है आपका, जरा एक मैसेज करिए, देखें आप लोगों का मैसेज आता है कि नहीं आता, नहीं कमेंट बॉक्स में। नीति आयोग पर आप जो है स्टार बना लीजिए, राहुल आप किसी तरीके से वहां कनेक्ट हो सकते हो, मैं एक मिनट एक टीम से कनेक्ट करता हूं। हाँ ये कह रहा था कि वहां पे जल्दी से अनअकैडमी वाले प्लस में ना कनेक्ट करो कि जो है बच्चे क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब बच्चे कुछ टाइप ही नहीं, क्योंकि आज ये क्लासेस तो बच्चों को मतलब के लिए है, इसमें कोई पढ़ाना है फटाफट वहां पे, मतलब ये लोग बता रहे हैं कि कोई ऐप होता है, हाँ लाइव सपोर्ट ऐप होता है, वहां पे सर्च करो फटाफट। कहाँ ऑफिस आगे नहीं आया अभी? हाँ तो लाइव सपोर्ट ऐप कोई होता है, वो मैं मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे भेजा है, फटाफट करो। हाँ कौन वाले?
यार अभी दो ही, चलो आ रहे हैं आ रहे हैं, अभी आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैंने बेटा इंटरकॉम पे चीजें डाली है, मतलब बोला है। अच्छा, नॉन प्लस यूजर्स कमेंट नहीं कर सकते। अन एकेडमी प्लस टीम, हाँ आप आए प्लीज, मुझे एक मैसेज करें। अन एकेडमी प्लस टीम, क्या बच्चों के लिए कमेंट बॉक्स बंद कर दिए गए हैं? क्योंकि जैसे आज जो स्पेशल क्लासेस होती हैं तो हमें ये लगता है कि बच्चों के साथ हम ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए, भले अधिक क्वेश्चन हो जाते हैं, हम उनके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जैसे हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, बच्चों के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं, तो क्या अन एकेडमी प्लस टीम जो है कुछ है, मतलब आप कुछ मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं कि जो है ये क्या, मतलब जो प्लस के यूजर्स नहीं हैं उनके लिए कमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट बैठे हैं वो कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट आ रहा है जो प्लस में मुझसे पढ़ते हैं, बाकी किसी भी बच्चों के नहीं आ रहे। तो क्या आप मतलब ऐसा, जबकि कल था परसों भी ऐसे था, अमूमन ऐसा नहीं होता, प्लीज मुझे क्लियर करें, क्योंकि मैं बार बार बच्चों से इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो क्या ऐसा बनाया गया है या कुछ मिस्टेक है, मतलब कुछ टेक्निकल इश्यू है या कोई नॉर्म्स है, यानी टेक्निकल एंड नॉर्म्स में प्लीज बताएं मुझे, क्योंकि टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ है। अन एकेडमी प्लस टीम, ओके ये बच्चों, 1 मिनट में। मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव सपोर्ट टीम को, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने स्टाफ, चलो कोई नहीं। तो बेटा नीति आयोग पे आपने डबल स्टार बना लिया, यानी ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ये केंद्रीय सूचना आयोग, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आरटीआई अधिनियम चर्चा में, ये भी देख लीजिएगा। और इसके बाद ये लोकपाल एवं लोकायुक्त इस बार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है तो लोकपाल एवं लोकायुक्त है, और इसके बाद ठीक है ये तीन आप कर लीजिएगा। और लोकपाल एवं लोकायुक्त को बहुत अच्छे से, चूंकि ये बिल जो है व्यवहारिक रूप ले चुका है, तो कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अमित खुश रहो बेटा। अन एकेडमी पब्लिक ज्वाइन, अच्छा तो अन एकेडमी पब्लिक अगर आप सपोर्ट टीम हैं तो बच्चे मैसेज नहीं कर पा रहे, क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन कि बच्चे कमेंट कर सके, ठीक है कोई बात नहीं। अब बेटा आते हैं अन्य संवैधानिक आयाम, यानी कि भाग 9 पे आते हैं। तो इसमें देखो सहकारी समितियां हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, याद रखिएगा, किसी भी लोक तंत्र में या डेमोक्रेसी में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी किसी भी लोकतंत्र में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र में कौन, ये जो हमारी सहकारी समिति, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, मतलब ऐसा नहीं कि सभी इंपॉर्टेंट है, पर इनकी भी इंपॉर्टेंस है, चूंकि ये जो डेमोक्रेसी के जो पैमाने हैं विकास के, उसको निचले स्तर तक ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये मुझे लगता है कि मेंस में तो आ चुका, प्रीलिम्स में अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी सहकारी समितियां आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अमित, अच्छा अमित तो आप बेटा मेरी क्लास में ही हो, खुश रहो बेटा। सुमित आए हैं, गायत्री देवी जी आई हैं, कोई भी एडमिशन लेना चाहेगा ले सकता है। शायद आज आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आप नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ है, तो आप लोग जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं प्लस पर, प्लस के बारे में तनिक भी संकोच नहीं करना है। अगर हम लोग पसंद आते हैं तो टाइम नहीं लगाना चाहिए, कब टाइम निकल जाता है आपको पता नहीं लगता है, और 2020 के लिए तो ये गोल्डन टाइम है अभी, कि अगर आप अभी से अटैच हो जाएं।
मैंने पहले बताया फिर बता दूं, 2 दिसंबर से मेरा प्रीलिम्स स्पेशल बैच यहाँ चालू है 2 दिसंबर से, और 2 दिसंबर से ही हिंदी लिटरेचर का नया बैच चालू है। लेकिन मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रीलिम्स 2020, तो अगर आप लोग इसमें जुड़े तो मुझे लगता है कि हम बेहतर परिणाम दे पाएंगे। बाकी आप लोग अच्छी, बाकी आप लोगों की अपनी जो भी है, ठीक है। तो सहकारी समितियां आपको पढ़ना, राजभाषा अभी तक ठीक है ना, ये सब छोड़िएगा, ट्रिब्यूनल्स कर लीजिएगा, अधिकरण इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद विशिष्ट वर्गों से संबंधित प्रावधान, ये 3 चीज आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला आ जाता है राजनीतिक गतिशीलता। क्या आ जाता है? राजनीतिक गतिशीलता, तो राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज एक बार देख लीजिएगा कैसे क्या इनको मान्यता मिलती है, निर्वाचन ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दल परिवर्तन कानून, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रीलिम्स की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका खत्म हो गया, यानी कि हर चीज आपका आपके सामने आ गया कैसे आपको पढ़ना। अब जहां पर थैंक यू है, अच्छा कार्तिक के, कार्तिक के आप भी प्लस कोर्स के होंगे इसीलिए आपका भी जो है कमेंट आ रहा है। ओके ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो अब जितने भी और स्टूडेंट है याद करेगा कि जितने भी, हाँ हाँ अमित बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं समझ गया बेटा। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या करना है, कोई जाएगा नहीं, अब थोड़ा सा हम लोग और बातचीत कर लेते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में बात कही थी वो बच्चों को कर दूं कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है अब इसके बाद बुक लिस्ट क्या हो, यानी आप क्या पढ़े, बुक लिस्ट या नोट्स में से जैसे कौन सी बुक ले। तो मैंने पहले ही बताया कि अब भाई जब एम लक्ष्मीकांत है तो फिर इसके अलावा आपको क्या विचार करने, तो आप एम लक्ष्मीकांत देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एम लक्ष्मीकांत आप देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत के अलावा अगर आप एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, यानी एम लक्ष्मीकांत देख सकते हैं और इसके अलावा एनसीईआरटी देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत अगर देखना है तो आप मेरे साथ स्टूडियो प्रभाव पर, लगातार स्टूडियो प्रभाव पर मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, और वहां पर एम लक्ष्मीकांत 100 आवर्स के नाम से मैं क्लास ले रहा हूं, आपका काम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो 2 दिसंबर से जो है जीएस प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जीएस प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, आप यहां कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें क्या क्या होगा वो बता देता हूं। जिसमें पॉलिटी के अभी जो मैंने चैप्टर आप लोगों को बताए हैं इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट कराए जाएंगे, यानी पॉलिटी का। फिर इसके बाद दूसरा जो इकोनॉमी है उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट मतलब जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एरियाज होंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तीसरा जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर यानी इतिहास एवं संस्कृति से जो प्रश्न आएंगे, जो मतलब जो कोर एरिया होंगे इस पर पूरा फोकस कराया जाएगा। और इसके बाद यानी कुल 50 चैप्टर लिए जाएंगे, 50 चैप्टर। फिर इसके बाद आपका भूगोल और पर्यावरण का जो महत्वपूर्ण एरिया होगा उसे कराया जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा, क्या होगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा, उसका जो कोर एरिया होगा वो कराया जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो आप देख सकते हैं क्लियर है तो ये। और इसके बाद करंट अफेयर्स का आप मानो कि 1.5 वर्ष का यानी 1.5 वर्ष का पूरा आपको यहाँ पर समराइज मिलेगा, बहुत बढ़िया। यानी आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ पर पॉलिटी का अलग मिलेगा, इको का अलग मिलेगा, मतलब इतिहास मतलब जो कल्चर है उसमें अलग मिलेगा, विज्ञान में अलग मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर जीएस प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और 50 क्यों, यानी कि टारगेटेड बैच क्यों, केवल मैं 50 चैप्टर की बात क्यों कर रहा हूं, अब इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। 50 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं,
ये समझाना बहुत यानी ये समझाना बहुत आवश्यक है। क्या समझाना आवश्यक है, एक बार थोड़ा स्पेस ले लूं फिर बता। यानी ये समझाना बहुत आवश्यक है कि 50 चैप्टर क्यों, वाई 50 चैप्टर्स, वाई? तो इसलिए क्योंकि बेटा नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, आपको अच्छे से पता है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यहाँ है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही कट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सही भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 3 तो इधर गया प्लस एक और गया। अब ऐसे में अगर आप 15 गलत हो जाए, और होता है क्योंकि ऑब्वियस, अगर 100 क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, अगर 100 क्वेश्चन है आपके पास और 100 क्वेश्चन में से ध्यान करिएगा, अगर 100 क्वेश्चन में से आपके कितने गलत हो जाए, अगर 100 क्वेश्चन में से आपके 15 मान